शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक, शुक्रिया। और आज ईद के मौके पे आपको पता ही है ईद पे स्पेशल गिफ्ट क्या हो सकता है? ईद का चांद निकलेगा आज। बिल्कुल, आज ईद का चांद यहीं पे निकलेगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा बॉक्स ऑफिस की जान, बॉलीवुड के सुल्तान मिस्टर सलमान खान। यही दिखा दें क्या सुल्तान जी? अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि आप ही आ जाओ, हम बाद में कर लेते थे। वो कह रही है रियली रियली, हमने कहा झूठ मूठ बोल रही हो यार। कुछ भी हो, जहां में धूम है हल्ला है अपने सलमान का, ये कोहिनूर नगीना है हिंदुस्तान का। अकबर सा रुतबा हो और सिकंदर जैसा विजेता है जो, शहंशाहों से भी बढ़कर जलवा है इस सुल्तान का। भैया आप तो आज काफी कैजुअल, मतलब जैकेट वैकेट में आए, आप स्मार्ट लग रहे हैं जी। इनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे लंगोट में एंट्री मार। मुझे लगा शायद ईद है, सलमान भाई पठानी सूट में। बड़ा इधर ही बोलती बनने वाली है। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए कि वहां से सुल्तान लंगोट में चल के आ। सलमान भाई कम से कम 103 फिल्में कर चुके हैं जिनमें 40 से ज्यादा एक्ट्रेसेस इनके साथ काम कर चुकी हैं। इनकी तकरीबन सारी फिल्में 200-200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती हैं। भाई आपको हमारे हालात पता है, हमारे साथ क्या हुआ, कितना खर्चा हो गया, हमारी जिंदगी कलरलेस हो गई थी। आप गिफ्ट ले आते कोई हमारे लिए? बड़ा बदमाश है। अच्छी बात है, इतने सोने लग रहे हैं। सोनी में और सोना हो गया। तो भाई कुछ कैश वैश ही इससे ले आते, मतलब ईद है, ईदी ले आते हमारे लिए। एक फिल्म ऑफर लाया हूं आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? Really? कितनी हीरोइन है टोटल उसमें? तीन आ रही। तीन हीरोइन। एक तो आपकी होगी, एक मेरी होगी, तीसरी किसके लिए? तीनों ही मेरी हैं। मेरा मतलब बीच में क्या रोल है? विलेन का रोल है। चलो विलेन के लिए आइटम डांस तो एक आध होगा ही। है, लेकिन वो आप नहीं करोगे, किसी और से करवाएंगे। नहीं, विलेन तो आप खुद करेगा भी नहीं, कोई लड़की करेगी ना आगे। लड़के से करवाएंगे। सारी एड्रेस या मिनी कुछ भाई प्लीज बना के। बी ह्यूमन, आप ऐसा करोगे हमारे साथ? मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो? हमारा तो बजट कम होता है ना। सेम तो यहाँ पे चल रहा है, आदमियों को औरतों के कपड़े पहना के औरत बना रहे हैं। उनके बच्चे भी स्कूल में जाकर कहते हैं हमारी दो दो माएं, ये घर पे है किधर बनती है। आपको पता है सलमान भाई जब शर्ट उतारते हैं लड़कियां वैसे पागल हो जाती हैं। अच्छा इनकी बॉडी है, ये उतार भी सकते हैं। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला बाजी? अच्छा एक दिन इसने शर्ट उतारी, पता नहीं चला ड्रम कौन है पांडे कौन है। पर अच्छा इस फिल्म में तो भाई आपने पैंट भी मतलब उतारी दी, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि फीमेल फैंस की? डिमांड तो स्क्रिप्ट की ही थी। अच्छा, और आई थिंक फीमेल फैंस से ज्यादा मेल फैंस इसको अप्रिशिएट ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा।
Salman, you're looking superb in a langot. Bye, kya lag raha langot kya? Aur aake tum kya ho gaya gaya tumko yaar? Acche bhale to the bhai. Ulta zamana aa gaya. Salman bhai ne pichle samay hame bataya tha ki ek bar inhone foreign kahin show karne gaye to ye shorts mein entry le gaye the. तो सलीम साहब ने बहुत डांटा इनके पिताजी ने। तो वहां पर किसी ने कह दिया था कि मैं अंडरवेयर में डांस कर रहा हूँ और ये जो जो स्टेप था ना ये वाला ये जीने के चार दिन वाला वही स्टेप था। अच्छा तो वहां से पता नहीं किसने डैड को फोन करके बोल दिया वल्गर 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 तो बहुत भड़के थे अब खुश है। तो अभी पूरा लंगोट मतलब पहन के सारी फिल्म करी अभी नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं नहीं बोला कि आप अपनी पैंट उतारो देखो कि प्रोड्यूसर के पैंट कभी उतरे नहीं। अच्छी बात है। अरे सलमान भाई ने जो फिल्म में लंगोट पहना वो कोई आम लंगोट नहीं है मतलब वो डिजाइनर लंगोट है। मैं ऐसे क्यूरियोसिटी थी भाई कि जैसे आपकी फिल्मों में लंगोट में एक चोर पॉकेट भी है। मैं पहलवान से कौन क्या चोरी करके लेके आ गया। तो नहीं भाई उसमें भी कोई होता है आपकी टीम की तरफ से कि सलमान का लंगोट है इट शुड लुक लाइक क्लासी गोटे जरी का काम हो? किसके करे जरी गोटे का काम? ऐसे पूछ रहा हूँ भाई कि क्या होता है ऐसे कि नहीं? अच्छा आपको पता है जब भी जैसे सलमान खान सेट पे होते हैं तो भाग भाग के आते हैं डिजाइनर्स सर ये कैन वी प्लीज ट्राई दिस जैकेट जैकेट ट्राई कराते हैं ये खाली ऐसे बाजू डालते हैं अच्छी है टाइट खोल दो इसको खोल दो टाइट है या जो भी है तो भाई लंगोट जो होता है वो मतलब वो तो आप मतलब खुद ही ट्राई खुद ट्राई करना पड़ता है और फिटिंग को भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है ये इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है यहाँ से लूज अच्छा। है यहाँ से थोड़ी सी टाइट है। अच्छा एक्चुअली हाँ ये छोटी सी कर दो या इसको थोड़ी बड़ी कर दो वो आपके ऊपर चॉइस है। पर हाँ एक्चुअली जैकेट से तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से टाइट है यहाँ से खोल दो यहाँ से लूज है यहाँ से लंगोट का क्या आप डिस्क्रिप्शन दोगे? अच्छा सलमान भाई आपकी फिल्म में एक डायलॉग है कि लड़की इंग्लिश बोलने से जल्दी पट जाती है आई लव यू बोलो और नेक्स्ट टाइम किस तो ये मतलब ये डायलॉग आपको दिया गया था कि आपका निजी तजर्बा है? सोचने दो यार बहुत टाइम हो गया। जब आपको पता है हम लोग पर्दे पे जब फिल्म देख के एंजॉय करते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है इतने सालों से सलमान भाई बॉक्स ऑफिस पे राज कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सुल्तान में इन्होंने 40s का दिखने के लिए वजन बढ़ाया उसके बाद 20s का दिखाना है उसके बाद फिर घटाया ये दो बार करना पड़ा। अच्छा। एक बार बढ़ा लिया तो फिर वो रुकने को तैयार नहीं सर बड़ी मुश्किल से घटाया फिर उसके 15 दिन बाद बोलते हैं कि वापस से बढ़ा लो। क्रेजी पीपल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दुनिया में सबसे आसान काम है वजन बढ़ाना बढ़ाना और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वजन घटाना। मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मेरा हो ही नहीं रहा। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग मैंने प्यार किया आई शुड हैव 30 रोटीज राजमा चिकन फिश एंड केले और पता नहीं क्या क्या अब एक रोटी को स्मेल कर लेता हूँ तो 4 किलो वेट मेटाबॉलिज्म बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रू। तो इस फिल्म के दौरान पहले बढ़ाया फिर कम किया फिर बढ़ाया तो लंगोट सेम ही था कि उसके भी साइज नहीं सर लार्ज से डबल एक्सएल तक चला गया था। मुझे लाज आ रही है बात करने। चलिए सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे भाई प्लीज आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए।